Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start video number 6 from the lesson In the Kingdom of Fools. Murkho ke Rajya mein. But the king consulted his minister and ruled decisively. Parantu Raja ne अपने मंत्री से परामर्श किया, कंसल्टेड मींस परामर्श किया, परंतु राजा ने अपने मंत्री से परामर्श किया, विचार विमर्श किया एंड रूल्ड डिसाइसिवली और निर्णायक रूप से शासन किया. इट इज ट्रू, योर फादर इज द ट्रू मर्डरर. राजा ने कहा उस धनी व्यापारी से, इट इज ट्रू, ये सत्य है. योर फादर, आपके पिता, इज द ट्रू मर्डरर, असली हत्यारे हैं. ही इज डेड, वह मर गए हैं. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, परंतु समबडी मीन्स किसी न किसी को तो उनके स्थान पर सजा मिलेगी ही या मिलनी ही चाहिए. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस. राजा ने धनी व्यापारी से कहा, यू हैव इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स विरासत में प्राप्त किया है, एवरीथिंग हर एक चीज को, फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर, उस अपराधी पिता से, ऑफ योर्स अपने, हिज रिचेज उसकी संपत्ति, एज वेल एज हिज सिंस और उसके पाप भी. राजा ने धनी व्यापारी से कहा कि तुमने अपने उस अपराधी पिता से हर एक चीज, उसकी संपत्ति भी और उसके पापों को भी विरासत में प्राप्त किया है. आई न्यू एट वंस, इवन वेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम. इवन वैन, जब आई फर्स्ट, मैंने पहली बार या प्रथम बार सेट आईज ऑन का मीनिंग होता है सा, जब मैंने प्रथम बार या पहली बार आपको देखा तो मैं तुरंत ही, एट वंस तुरंत ही, आई न्यू जान गया, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू वर तुम हो एट द रूट, जड़ में, ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस जघन्य अपराध के, कि तुम इस जघन्य अपराध के जड़ में हो. ये मैंने पहली दृष्टि में जब आपको देखा तो मैं तुरंत ही इस बात को समझ गया. यू मस्ट डाई, तुम्हें मौत अवश्य मिलेगी, तुम्हें मौत की सजा अवश्य मिलेगी. इस बात को राजा ने उस धनी व्यापारी से कहा. एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. एंड ही ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया, ए न्यू स्टेक, एक नई सूली बनाने का, एक नया फांसी का फंदा, टू बी मेड रेडी, तैयार करने के लिए, फॉर द एग्जीक्यूशन, सूली पर चढ़ाने के लिए या फांसी देने के लिए. और उसने, किसने, राजा ने, और राजा ने फांसी देने के लिए एक नई सूली तैयार करने का आदेश दिया. एक नई सूली, स्टिक मींस फांसी का फंदा या सूली.
एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल. इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक. एज द सर्वेंट जैसे कि नौकरों ने सर्पेंट में धार लगाई, द स्टेक सूली पर, जैसे ही नौकरों ने सूली पर धार लगाई, एंड गॉट इट रेडी और उसको तैयार किया, सूली को तैयार किया फॉर द क्रिमिनल अपराधी को फांसी देने के लिए. इम्पेलिंग मीन्स फांसी देना, इम्पेलिंग फांसी देना ऑफ द क्रिमिनल अपराधी को फांसी देने के लिए. अंतिम रूप से नौकरों ने उस सूली को तैयार किया. इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, मंत्री के मन में एक बात आई उसको देख करके, दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक. मंत्री के मन में विचार, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर मंत्री के मन में विचार आया कि दैट कि द रिच मर्चेंट धनी व्यापारी वॉज समहाउ टू थिन कि वह धनी व्यापारी इतना पतला दुबला है कि टू बी प्रॉपरली सही प्रकार से एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक कि फांसी के फंदे में उसकी गर्दन ठीक से नहीं आ सकती है. फांसी के फंदे में फांसी लगाने के लिए उसकी गर्दन ठीक से नहीं आएगी, ये विचार मंत्री के मन में आया. ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, ही अपील्ड उसने निवेदन किया, अपील की टू द किंग्स राजा से, कॉमन सेंस विवेक पूर्वक. उसने राजा से, किसने, मंत्री ने राजा से विवेक पूर्वक अपील की या निवेदन किया. द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी, टू मिस भी, वरीड चिंतित हो गया, अबाउट इट इसके बारे में. जब मंत्री ने राजा से ये बात कही कि इस धनी व्यापारी, जो धनी व्यापारी है, इतना पतला दुबला है कि इसकी गर्दन तो फंदे में ठीक से आएगी ही नहीं, तो राजा इस बात को सुन करके इस बारे में चिंतित हो गया. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. He said, उसने कहा, What shall we do? अब हम क्या करें? राजा ने कहा, जब मंत्री ने कहा कि इस बूढ़े व्यापारी की, व्यापारी तो इतना पतला दुबला है कि सूली में ठीक से फिट नहीं आएगा, तो राजा चिंतित हो गया और राजा ने कहा कि अब हम क्या करें. When suddenly, जब अचानक, it struck him, उसके मन में विचार आया, that all they needed to do, कि वो सब कुछ या सारा कार्य, they needed to do, जो उन्हें करने की आवश्यकता है, वो सब कार्य जो उन्हें करने की आवश्यकता है, was to find, ढूंढना, a man, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना, fat enough to fit the stake, जो उस फांसी के फंदे में पर्याप्त रूप से सही आ जाए, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना.
द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक. द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट, नौकरों को तुरंत ही शीघ्र ही वर सेंट भेज दिया गया ऑल ओवर द टाउन सारे शहर में. लुकिंग फॉर तलाश करने के लिए, फॉर ए मैन एक ऐसे व्यक्ति की, नौकरों को तुरंत ही सारे शहर में एक ऐसी व्यक्ति की तलाश करने के लिए भेज दिया गया हु वुड फिट द स्टेक जो उस फांसी के फंदे में फिट हो सके. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल और उनकी आंखें, उन नौकरों की आंखें एक ऐसे शिष्य पर आ पड़ी, ऐसे शिष्य पर उनकी दृष्टि गई. डिसाइपल में शिष्य होता है. हु हैड फैटन्ड जो मोटा हो गया था, हिमसेल्फ फॉर मंथ्स महीनों, ऑन बनानाज केले एंड राइस चावल एंड व्हीट गेहूं एंड घी. उनकी नौकरों की दृष्टि एक ऐसे शिष्य पर पड़ी जो महीनों से केले चावल गेहूं और घी खा करके तगड़ा मोटा ताजा हो गया था. What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. जब उस शिष्य को राजा के नौकरों ने पकड़ लिया तो शिष्य ने रोते हुए कहा, What have I done wrong? मैंने क्या गलती की है? I am innocent. इनोसेंट मीन्स निर्दोष. मैं निर्दोष हूँ. आई एम ए सन्यासी. मैं एक सन्यासी हूँ. दैट मे बी ट्रू. वह सत्य हो सकता है. बट इट इज द रॉयल डिक्री. डिक्री मीन्स निर्णय, आदेश. रॉयल मीन्स राजसी. परंतु यह राजसी आदेश है. क्या? That we should find a man. हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेना चाहिए. Fat enough जो पर्याप्त मोटा हो. To fit the stake फांसी के फंदे में सही आने के लिए. नौकरों ने कहा कि वह सत्य हो सकता है, परंतु ये राजसी आदेश है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है या हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो पर्याप्त मोटा हो और फांसी के फंदे में ठीक से आ सके. टू फिट द स्टेक फांसी के फंदे में फिट हो सके. दे सैड उन्होंने कहा, नौकरों ने कहा. एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. एंड कैरीड हिम और उसे ले गए. कैरीड मीन्स ले गए. हिम उसको टू द प्लेस उस स्थान पर ऑफ एग्जीक्यूशन फांसी लगाने के. और फांसी लगाने के या फांसी देने के स्थान पर उसको राजा के नौकर ले गए उस शिष्य को. ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स. जब उसे ले गए वहां पर फांसी स्थल पर तो ही रिमेम्बर्ड उसे याद आ गए. हिज वाइज गुरु अपने बुद्धिमान गुरु के. वर्ड्स मीन्स शब्द. उसे तुरंत ही अपने बुद्धिमान गुरु की बातें याद आ गईं. दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स. ये मूर्खों का नगर है. यू डू नॉट नो. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. तुम्हें पता नहीं ये अगले पल या आगे क्या करेंगे. तुम्हें पता नहीं.
वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह, वाइल में जब, ही वॉज वेटिंग, वह प्रतीक्षा कर रहा था, फॉर डेथ, मृत्यु की, फांसी की वह प्रतीक्षा कर रहा था, तो ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने दिल में ही अपने गुरु से प्रार्थना की, प्रेड में प्रार्थना की, टू हिज गुरु, अपने गुरु से, उसने मन ही मन, दिल ही दिल में अपने गुरु को याद किया और प्रार्थना की, asking him to hear his cry wherever he was, asking him, उनसे पूछते हुए, कहते हुए, to hear his cry, कि उसकी पुकार को सुने, wherever he was, जहां कहीं भी वह हो, जहां कहीं भी हो, वह उसकी आवाज को सुने। The guru saw everything in a vision. गुरु सा देख लिया everything, सब कुछ, in a vision, अपनी दूरदृष्टि से। जब शिष्य ने गुरु को याद किया तो गुरु ने सब कुछ दूरदृष्टि से देख लिया। He had magic powers. गुरु के पास जादुई शक्ति थी। He could see far. वह दूर तक देख सकते थे। And he could see the future. और वह भविष्य को भी देख सकते थे। As he could see the present and the past. जैसा कि वह वर्तमान और भूत को भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. He arrived at once, वह तुरंत ही आ पहुंचे, at once means तुरंत, arrived means आ पहुंचे, to save, बचाने के लिए, his disciple, अपने उस शिष्य को, who had got himself into such a scrape, जो ऐसी मुसीबत में फंस गया था, through love of food, भोजन को प्यार के, भोजन को अधिक पसंद करने के कारण, भोजन के प्रति अधिक प्यार, अधिक लालसा होने के कारण वह ऐसी परेशानी में फंस गया था, उस शिष्य को बचाने के लिए गुरुजी तुरंत वहां आ पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी वीडियो नंबर 6, ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 7 में। और जाने से पहले आपको पुनः रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वो भी अपना कार्य इसके द्वारा कर सके। धन्यवाद।